नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 2 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आप बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी मुख्यालय में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी। दोपहर 2 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाह है, क्योंकि उससे पहले ड्राफ्ट तैयार करके किसानों के बीच भेजा जा चुका है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ गया। कानून वापस लेने पर ही बनेगी बात, टिकैत ने कहा है, और कुछ मंजूर नहीं होगा। श्वेता, सरकार का हट है तो किसानों का भी हट है। अब बात देखिए, हट धर्मिता पे आ गई है। यहाँ किसानों ने ड्राफ्ट तैयार करके प्रस्ताव भेजा है, लेकिन राकेश टिकैत का बड़ा बयान क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अगली रणनीति क्या है जी? अगली रणनीति बनाएंगे, अभी अंदर बैठ के बनेगी। तो आज की मीटिंग में क्या एजेंडा है? आज की मीटिंग में वो उनका जो प्रपोजल आएगा उस पर चर्चा करेंगे। अब तक तो सारी डिस्कशन इनकंक्लूसिव रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा? अब क्या होगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा जी। किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की जी, मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी हट धर्मी तो है भाई, किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। तैयार उसमें करना चाहते हैं अमेंडमेंट, लेकिन आप नहीं मानते। क्यों करें अमेंडमेंट? किसी हकीम ने बताया था उन्होंने कि ये बिल लेकर आएंगे, और किसान साहब पूछोगे नहीं अमेंडमेंट के लिए आपको लगता है? नहीं 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 करेंगे, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि देखिए अब बात नहीं बनेगी, बात माल की नहीं है, बात मान सम्मान की आ गई है। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मनोज यादव जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका भी, राहुल जी आपका भी। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे श्वेता। जी हाँ, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अक्षय और दीपिका मौजूद है। अक्षय, ओवर टू यू। हम हमेशा करते हैं कुछ नया, हमारा अंदाज है सबसे जुदा। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार सिर्फ से हिंदुस्तान पर। देखिए, हम लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब अगला रास्ता क्या होगा। देखिए, राकेश टिकैत जी का बयान आ गया है, उनका कहना है कि नहीं, अब सरकार अगर हट में है हम भी हट में है, बिल वापस लेना पड़ेगा। हट की बात कहाँ आ गई? हट तो ये मानी राकेश टिकैत साहब, अब भारतीय किसान यूनियन नहीं पूरे किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आदेश सर्वोपरि है। सर, हम तो रास्ते की बात कर रहे थे ना, हट की बात कहाँ से, मतलब किसानों का मान बना रहे, ये तो पूरा देश चाहता है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन हट कहाँ से? आपका मान यानी आपकी बात अगर रख ली जाए तो फिर तो रास्ता निकल सकता है ना, रास्ता निकालने पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार किसान हट नहीं कर रहा, हट तो सरकार कर रही है ना। हाँ। कि जो बिल वापस नहीं ले रही, जब हमारे पक्ष में बिल नहीं है। हाँ। हम नहीं चाहते उस बिल को। संशोधन, संशोधन का मतलब ही क्या है इस काले कानून का? इस काले कानून, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो वहाँ पे गए हैं, मतलब वहाँ हमारे जो जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि जितने वहाँ पहुँचे हैं, वो जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य है। लेकिन एक बात बताइए ना, अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी किसान बेचारे आत्महत्या तो कर रहे हैं ना। मौजूदा स्थिति में बदलाव तो चाहिए, बिल से ही आएगा, किसी भी इस बिल से नहीं दूसरे। तो इस बिल में कौन से पॉइंट से, अगर आप बता रहे हैं सरकार कह रही है लीजिए हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, तो फिर निरस्त करने की बात कहाँ से आती है? नहीं, किसान जो है इन बिलों से जब राजी नहीं है। हाँ। तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार इसमें हर धर्मिता। देखिए, शुरू में तो कहा गया ना कि अगर MSP आ जाए, सर आप आइएगा वीर जी, अगर MSP आ जाए ये बातें कर ले, वो शुरू में तो ये बात थी ना, MSP होना चाहिए। लेकिन आप फिर अचानक से कहा था कि करोड़ बने उसका, ये नहीं कहा था कि MSP चाहिए हमको दिखावे के लिए? लेकिन कानून बनाने को तैयार है, उसी बिल में हिस्सा देने को तैयार है, उस कानून का हिस्सा होगा वो। नहीं नहीं, पहले जैसे ये बिल पारित किए हैं उस तरह के विधायक पास हो, बिल लाए और सदन में पास हो, और सदन में उस बिल को पास किया जाए, तब ये मान है सब किसान मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे। नहीं तो संशोधन का मतलब तो वही हो जाता है ना। संशोधन तो लिखित में दे रहे हैं खाली। लिखित में अगर कानून बना देते तो लिखित में ठीक मानते थे। कानून उन्होंने पारित किए हैं,
कानून पारित किए हैं और बाकी किसानों को कहते हैं लिखित में दे देते हैं, तो दो दो एक साथ ना चले, सीधा कह दें कि हम इनको किसानों का नहीं फायदा देंगे। देखिए एक चीज मैं कहूंगा प्रिया, आप वहाँ पर स्कूटी में है, मैं यहाँ पर साइकिल में हूँ, लेकिन एक चीज वहाँ के किसान भी मानेंगे, यहाँ के किसान भी मानते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। बार बार झूठे आश्वासन से इतने बार चले जा चुके हैं ये किसान कि अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब जो भी हो पुख्ता तौर पर होना चाहिए, अब और नहीं। किसान यूनियन आपके पास आऊंगा प्रिया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, प्रिया जिंदाबाद, भवन टिका अमर रहे। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, देखिए यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे हम मौजूद है, और जो बात आपने कही 100% सटीक इस वक्त के माहौल पे, कि आप एक बार अगर सबक सीख लेते हैं और आपको लगता है कि आप उस चीज का शिकार हो गए, हर एक कदम फूक फूक के रखते, किसान भी वही कर रहे हैं। आपने जो संशोधित प्रस्ताव भेजा उस पे विश्वास ही नहीं है, इसीलिए अब और ज्यादा इरादे इनके बुलंद हो रहे हैं कि अब तो दिल्ली को कुछ करना ही है। देखिए सरकार शुरू से संशोधन कर करके, पहले तो माना ही नहीं कि इस बिल में कोई कमी है, फिर पांचवी मीटिंग में उन्होंने माना कि इसमें कुछ कमियां हैं, संशोधन दे दीजिए, 29 संशोधन दिए गए थे फार्मर्स की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे, फिर पांचवी मीटिंग में कहा कुछ और संशोधन दे दीजिए। अब बताइए एमएसपी, प्रमुख जो है, चाहे बिल को लेकर के बात चल रही हो, बिजली बिल की बात हो, एमएसपी की बात हो, इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो आप लोगों को कोर्ट तक अब जाने की जो इजाजत है, जो छूट है, उसमें जो संशोधित प्रस्ताव आया, ये सारी बातें उसमें सरकार मान रही है, आगे अब आप क्या कहेंगे? देखिए अब सरकार ने रस्सी उसमें, इस बिल के मूल ढांचे में ही प्रॉब्लम है, ये किसान के फेवर में बिल नहीं है कोई भी, ये कॉरपोरेट के फेवर का बिल है। उन्होंने इस बिल में एपीएमसी का कहीं जिक्र नहीं है, उसकी जगह कर दिया है एपीटीसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट कर दिया है, दूसरा असेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें कर दिया है कि जो ट्रेडर है वो कितना भी भंडारण कर ले, और एग्रीमेंट रेट का जो होगा वो बिजनेसमैन और फार्मर के बीच में होगा, तो उसमें बिजनेसमैन तय करेगा रेट। इसमें ना कहीं एमएसपी का कानून है, ना कहीं एपीएमसी मंडी का कानून है, जो सरकार झूठ बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए संशोधन तो यही कर रही है ना सरकार, इसी मसले पे आ रही है ना सरकार। कोई सरकार नहीं इसमें संशोधन कर रही है, आज भी जो अमेंडमेंट प्रस्ताव भेज रही है, आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है अभी क्या प्रस्ताव भेज रही है? आप बताइए, आपके हित की बात हो रही है, आप बताइए, क्योंकि सरकार कह रही है, सरकार बार बार जब एमएसपी का सवाल करते हैं तो ये कहती है कि पहले भी था आगे भी रहेगा और अब भी है, उस पे सरकार लिखित में अभी तक देने पे तैयार नहीं हुई। हाँ एमएसपी ये कह रही है पहले भी चालू था, एक ही सेंटेंस सुन रहे हैं कृषि मंत्री के मुंह से, पहले भी चालू था, अभी भी चालू है, आगे भी चालू रहेगा। एमएसपी पे ये प्रशासनिक आदेश था, दिस वजह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, ये प्रशासनिक आदेश था जो मौखिक रूप से दिया हुआ था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जब नारा लगाया था जय किसान जय जवान, जब देश वो भूखे मर रहा था, तो एमएसपी का मौखिक आदेश पे कुछ दो तीन स्टेट में खरीदारी हो जाती है। दीपिका लगातार यहाँ पर बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, इस वक्त वो हमारे बीच में आ चुकी हैं, दीपिका भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार स्कूटी से किसानों के बीच जा रही है। सर सुन रही हूँ आपकी बात ही, पहुंचा रही हूँ, और भी बहुत सारे किसान हैं जिनसे बात करना है। सुन लीजिए एमएसपी का, क्योंकि तो अब कानून, अब क्या डिमांड कर रहा है किसान कि एमएसपी के जो गारंटी है उसका कानून बना दीजिए आप। ये कह रहे पहले जारी था, पहले चल रहा है, उससे क्या होगा जो पहले चल रहा है, उससे तो किसान को नुकसान हो रहा है। अगर चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा था धान की खरीददारी, आप जाके देख लीजिए 800-900 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, हम आपके पास लौटते रहेंगे, लगातार ग्राउंड जीरो से आप अपडेट दे रहे हैं। स्कूटी पर भी सवार हमारे तमाम सहयोगी ट्रैक्टर और साइकिल पर सवार होकर भी पहुंचे हैं किसानों के बीच। मनोज यादव जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, राकेश टिकैत कह रहे हैं अब सिर्फ माल का बात नहीं रही, अब मान सम्मान की भी बात हो गई है, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कानून को खत्म किया जाएगा। सर ये सरकार और बनाम किसान कैसे निकलेगा समाधान? देखिए लक्ष्मी जी, हम लोग किसानों के मान सम्मान में मोदी सरकार पहले से तत्पर है, और किसानों के मान सम्मान के हित का ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कृषि सुधार किए हैं। आपको पता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाली भी मोदी सरकार ही है, किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने वाली भी मोदी सरकार है, और मोदी जी जो ये बिल लेकर के आए हैं, जो तीन जो अध्यादेश हमने पारित किए हैं, वो साफ साफ आपको दिखा रहे हैं कि उसके अंदर बिचौलियों से हम लोग बच रहे हैं, बिचौलियों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है,
और जो दलाल जो यहाँ पर उनके जो औने पौने दाम में जो माल बेचना जी मनोज यादव यहाँ पर रुकना चाहेंगे। तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं सीएम केजरीवाल के घर के बाहर, देखिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं सीएम आवास के बाहर से। ये धरना क्यों हो रहा है ये बखूबी सबको समझ आ रहा होगा। कल से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस पर कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है, जबकि परसों की तस्वीर ये कह रही है कि देखिए वो लगातार सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए जब वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए। लेकिन दूसरी ओर पार्टी का ये कहना कि जब से वो नेताओं से मिलकर आए हैं, किसानों से मिलकर आए हैं, तब से उनको नजरबंद कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केजरीवाल के घर के बाहर ये बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी नेताओं का एक धरना है क्योंकि लगातार उन पर यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये काम किया गया है पुलिस की तरफ से। केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक धरना प्रदर्शन, तस्वीरें हम लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, सारे काउंसलर्स हैं, महिलाएं भी हैं, वो यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं, कम से कम आके बात कर सकते हैं। और जो इनकी डिमांड है 13,000 करोड़ की, जो लीगल डिमांड है, पिछले 6 साल से आपने रिलीज नहीं करी है, तो आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? कम से कम आके बात करिए, सुनिए तो सही, और जो पैसा है वो रिलीज करिए, जो हमारी डिमांड है। देखिए ये सिर्फ डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स है असली मुद्दे से, क्योंकि वो जानते हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और जब तक वो हमारे 13,000 करोड़ रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ डाइवर्ट करने की, जब उनका मन करता है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अभी भी वो शायद घर में नहीं होंगे, अभी भी आधा एक घंटा पहले वो घर से निकले हैं। तो ये किस तरीके का हाउस अरेस्ट है, और इस तरीके की राजनीति अच्छी नहीं है। कम से कम आके बात करिए, सुनिए तो सही। यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, और इस मौसम में आप देखिए कि रोड पर अगर महिलाएं सो रही हों, उसके बावजूद अगर आपका दिल नहीं है, दिल आपका नहीं दहलता, तो फिर किस तरीके के आप मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हैं? महिलाएं भी बैठी हैं घर से बाहर, लेकिन किसी भी निगम के कर्मचारी से नहीं मिलते, उनकी सूद नहीं लेते। देखिए आज निगम के नेता और निगम पार्षद यहाँ बैठे हैं। See, it's very unfortunate that the CM has not even come out. It's been 3 days. There's been a protest. There are ladies here who's been sleeping on the road. At least you should have the decency to come out and meet the people and meet our people and try and fulfill our demands, which is a very legal demands as well. We've been asking for 13,000 crores, which he needs to release. And it's been 6 years. He hasn't released anything. That is just trying to divert the attention from this issue. Nothing of that sort. I'm sure that even now he's not at his house, so it is just to divert attention. But what I can say is that we are very adamant that he needs to release 13,000 crores, which is very important for the MCD to run the MCD the proper way. क्योंकि निगम के अंदर उनको ऐसा पैसा दिया जाता है ना कि कर्मचारियों उनकी सैलरी आप दो, कोरोना काल में अपने लोगों की सैलरी रोक ली। मैं वही कह रहा हूँ कि इन निगम कर्मियों ने कोरोना, देखिए अरविंद केजरीवाल को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निगम के कर्मचारियों का वेतन देना है, निगम के पदाधिकारियों का, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का, सबको वेतन देना है। और जो पांचवें वित्त आयोग के आधार पे जो पैसा एमसीडी को, लोकल बॉडीज को दिल्ली में देना है, उस पर कुंडली मार के, फन मार के, फन काट के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, और उनके दरवाजे पे ये तमाम हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, पार्षदगण, महिलाएं सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रहे, वो यहीं से निकल के जाते हैं। मैं समझता हूं ये एक नकारात्मक सरकार चलाने का देश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया है, कि वो ऐसी नेगेटिविटी रखते हैं कि तुम चाहे जो कर लो, हम जो संवैधानिक फंड है वो रिलीज नहीं करेंगे, तो अब अपने पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये लोग अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये लोग निगम के कर्मचारियों के लिए बैठे हैं, गलियों को स्वच्छ बनाने के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए बैठे हैं, जो निगम का सुचारू रूप से कार्य है उसके लिए बैठे हैं। और बताऊं आपको कि निगम का कार्य कई मामलों में दिल्ली सरकार के कार्यों से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको रोकने का जो ये राजनीतिक विद्वेष निकाल रहे हैं कि हम बीजेपी से विरोध करके, दिल्ली की जनता को रुला करके
और बदला लेंगे तो मैं समझता हूं अब दिल्ली को भी पता चलना है, दिल्ली के नागरिकों को पता चलना है और नगर निगम के कर्मचारियों को भी पता चलना है। सरासर झूठ, उनका वो जहां चाह रहे वहां जा रहे हैं, वो भी किसी होटल में शादी अटेंड करके भी आए, उसके बाद वो यहां से जब मन कर रहा है तब भी कल भी गए। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को भी, गौतम गंभीर को भी। देखिए, एक तरफ निगम का बकाया वेतन देने के लिए ये धरना हो रहा है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कह रही है कि नजर बंद किया है, हमारे ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी मौजूद हैं। प्रिया, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? पहुंच गया है ड्राफ्ट किसानों के बीच, अब क्या है किसानों का रुख? तो हमारे सहयोगी से लगातार हम जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट वो ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। फिलहाल राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लूं। राहुल लाल जी, सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया है राकेश टिकैत ने कि हमें बस कानून रद्द चाहिए, बीच का रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना सर, क्यों नहीं समझ पा रहे ये? नहीं, किसान तो वार्तालाप लगातार कर ही रहे हैं, कल भी बुलाया गया, कल भी गए। ये तो सरकार की हर धर्मिता है कि सरकार अपने ढंग से अपने जगह से जो है कि वो उन्होंने अगर जब संशोधन की बात तो हो गई ना राहुल लाल जी। नहीं, अगर एक चीज बताइए, जिस कानून का मूल बेसी गड़बड़ है, अगर किसानों को ये लग रहा है कि उसका मूल जो स्तंभ है वही गड़बड़ है जी, तो फिर उसके संशोधन उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। किसानों के लिए आपने कानून बनाया, किसान मगर पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले तो आपको जब कानून बना रहे थे तभी आपने किसानों से कुछ राय नहीं लिया, कोई विमर्श नहीं किया उस समय। अब जब किसान अपनी राय दे रहे हैं तो फिर सरकार अपनी प्रतिष्ठा बना ले रही है। देखिए, राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही बोला है। राहुल लाल जी एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। 70 साल में इस पार्लियामेंट से बहुत सारे कानून बने, कई सारे कानून ऐसे भी रहे जिनमें कुछ असंतुष्टि रही, कुछ त्रुटियां रही जिनको सुधारा गया। कई बार किसानों का 70 साल में प्रदर्शन भी हुआ, कई सरकारों में तो ये तक वोट लग गए नो एंट्री, कम से कम यहाँ वार्तालाप तब भी हो रहा है। मेरा सवाल सीधा है, मैं किसी को यहाँ डिफेंड नहीं कर रही हूँ, किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मेरा सवाल ये, कितने उदाहरण आपके पास ऐसे हैं सर जहाँ कानून ही रद्द करने पर बात बने? क्या यहाँ पर त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार अगर राजी है तो क्या नहीं लगता कि ये रास्ता निकलना चाहिए? कितने कानून ऐसे नहीं है जी में त्रुटियां हुई हैं और फिर ठीक हुई हैं? देखिए, ये कानून बिल्कुल ऐसा बना जिससे लग रहा है कि किसानों के अस्तित्व के ही ऊपर संकट के बादल। लेकिन किसानों ने तो खुद मुद्दे गिनाए ना राहुल लाल जी, आप ये बताइए, किसानों ने 29 संशोधन दिए हैं, आप बताइए 29 संशोधन होंगे फिर वो कानून क्या बचा? आप क्या पैबंद वाले कानून ढोने के लिए कह रहे हैं देश को? मनोज जी, पैबंद वाले कानून को वापस ले लीजिए। राहुल लाल जी, जिस पार्टी का समर्थन करने के लिए आते हैं, ये 50 साल तक ये लोग बैठे एमएसपी के कुंभकर्ण की नींद में 50 साल तक बैठ सोते रहे और अभी इनके एमएसपी पर नींद जागी है। 50 साल तक क्या कर रहे राहुल लाल जी की कांग्रेस पार्टी? और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर कुंडली मार करके बैठी रही कांग्रेस पार्टी, जो कि मोदी जी ने उसको लागू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके लेख भी छपा था। लेकिन राहुल लाल का आर्टिकल का वर्णन आप नहीं कीजिएगा, तो आप तो वैसा आर्टिकल चुन रहे हैं जो आपको सूट कर रहा है। लाल जी, मैं आपके आर्टिकल का भी वर्णन करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आप ये कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और केवल किसानों का मामला कांग्रेस का नहीं है। आप फिर से वही कांग्रेस पार्टी है, मामला कांग्रेस का नहीं है। वित्त मंत्री मामला देश के अन्नदाताओं का है, शरद पवार ने आंदोलन चल रहा है। राहुल लाल जी सुनिए जरा, स्थिति आपकी क्या है सुनिए जरा। जिस पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, विपक्ष की यहाँ स्थिति क्या है वो देखिए ना। किसान कह रहा है कि राजनीति नहीं चाहिए, झंडा बैनर नहीं चाहिए, हमारे पास अगर आ रहे हो किसान बनकर आइए। कितने नेता पहुंच गए, कहाँ है आप और कहाँ है राहुल गांधी? ये सवाल का जवाब देंगे आप मुझे? कितनी बार, एक सेकंड सर, ये कानून बनने के बाद कितने जिले में, कितने राज्यों में प्रदर्शन किया है कांग्रेस पार्टी ने? आज जब किसान सड़क पर आ गया है तो आप उसका समर्थक बनकर उतर रहे हैं झंडा बैनर लेके? बिल्कुल, विपक्ष है, विपक्ष अगर बताइए, विपक्ष अगर किसानों का मुद्दे से समर्थन को भी साथ नहीं देगा तो फिर राजनीति नहीं कर रहा है, भूमिका है अन्नदाता पर सियासी उद्दंड नहीं होना चाहिए जो हमने कल देखा। आपको विपक्ष को अन्नदाता की आवाज बननी चाहिए और इसके लिए आपको उन किसानों को कोई
कोई बड़बड़ाने का यहाँ पे देखिए आप साथ युवा पीढ़ी के किसानों को जान दे रहे हैं, किसान अच्छे से समझ रहे हैं। राहुल लाल जी, ये बातें जो आप लोग कहते हैं ना कि आप किसानों को जान नहीं रहे हैं, कृषि मंत्री किसान को समझ नहीं पा रहे, अरे हम लोग इसी देश में पले बड़े हैं सर, और कोई कैसे कह सकता है कि हम किसानों को जान नहीं रहे। खा हम किसानों की रहे, अन्नदाता हमारे वो हैं, हर कोई एक इंसान किसान से जुड़ा है, फिर भी आप लोग यही एक लाइन उठा लेते हैं कि आप किसानों को जान नहीं रहे। मनोज जी, राकेश टिकैत के बयान को सर आप कैसे लेते हैं, क्योंकि प्रस्ताव अभी गया है, महापंचायत होनी है, उसमें निर्णय आएगा, लेकिन उसके पहले यह बड़ा बयान कि अगर सरकार हट पर है तो हम भी हट पर रहेंगे। देखिए, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का सम्मान करती है, किसानों के सम्मान के साथ खड़ी हुई है। ये सम्मान का ही विषय है, तभी तो हम लोग किसानों के जो किसानों का सम्मान करते हैं, बचाने के लिए हम लोग संशोधन करने के लिए भी तैयार है, संशोधन करने के लिए भी तैयार है। माननीय गृह मंत्री जी ने आप लोग अपने संशोधन है वो लेकर के आइए, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो घटना संसद में कानून को पारित करते समय जिस तरह से लोकतंत्र को आपने लज्जित किया था, उसको भूला नहीं आपको। थाईलैंड में बैठे थे, मनोज जी आप सुन लीजिए, पार्लियामेंट में उपस्थित थे, आप लोगों ने क्या बोला था, तो किसान आपसे क्या बात कर रहे थे, किसान आपसे बात कर रहे थे, एमसी की जमीन दिया है, कंप्यूटर की कमियां दुरुस्त करने के लिए कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे कि उसका एक अल्टरनेटिव भी तैयार करने दे दीजिए। कहाँ पिकनिक मनाने गए थे राहुल गांधी जी उस समय? अरे आप जवाब दे दिए, आपके पास मुद्दे के लिए क्या उपस्थित नहीं थे राहुल गांधी, वहाँ उपस्थित नहीं थे, अन्नदाता का मामला है। और मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं किसानों का डबल हो। मनोज जी, एक छोटा सवाल है सर मेरा, राहुल जी रुकिए, आप राहुल जी रुकिए 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 रुकिए, मैं आ रही हूँ सर, पानी लीजिए। मनोज जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे, ठीक है विपक्ष राजनीति कर रहा है क्योंकि उसको मौका मिला है, उसके लिए बहुत बेहतरीन समय है, हो सकता है कि सियासत की जो जमीन पूरी तरह बंजर हो गई है वो यहां से उग जाए, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी आपकी है सर, पांच बार की वार्ता और छठी बार का ड्राफ्ट अगर किसानों को नहीं समझा पा रहा है तो ये सड़कें कैसे खाली होंगी और ये शांत कैसे होगा? देखिए लक्ष्मी जी, ऐसा है कि किसानों के लिए हम मनोज जी आऊंगी आपके पास, रिएक्शन आपका लूंगी, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अपने सहयोगी अक्षय का जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। अक्षय, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हम तमाम बातें सुन रहे हैं, सरकार की जो दलील है, सरकार बार बार कह रही है कि ये किसानों के हित का बिल लेकर सरकार आई है, सवाल यही किसान नेता यहाँ पर पूछ रहे हैं, आम किसान पूछ रहा है, भाई हमारे हित का है और हमें ही नहीं लग रहा है कि हमारे हित का है, और हमसे पूछा क्यों नहीं गया? आप लोगों को लग रहा है कि अब जब 6 राउंड की बातचीत हो गई है तब सरकार कह रही है कि हम थोड़ा सा संशोधन के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। ऐसा आज बिल, ये पूरा बिल जो है कि किसान हित का है ही नहीं, इसलिए ये वापस हो, वापस होने के बाद अगर इन्हें कोई किसान से संबंधित बनाना है तो किसान नेताओं को बैठाएं उसमें, और बैठाने के बाद नया बिल तैयार करें। कहीं ये ईगो की लड़ाई तो नहीं हो गई है कि आत्मसम्मान से जोड़? हम हमेशा करते हैं कुछ नया, हमारा अंदाज है सबसे जुदा। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार सिर्फ से हिंदुस्तान पर। कैसे खत्म होगा? एमएसपी तो अभी भी है, मंडी अभी भी है। हाँ बताऊंगा, सरकार एमएसपी को कानून बनाकर एमएसपी से कम खरीद पे अपराध घोषित करे, जैसे एमआरपी होती है उसी तरह सी व्यवस्था एमएसपी को हो। अगर कोई हमारे 1868 की चीज 1867 में ले रहा है उसके खिलाफ मुकदमा हो और वो जेल जाए, 1867 रुपए हमें मिले। तो इन बातों को लेकर हमें हमारी सरकार से, भाई सरकार ने 3 कानून पास किए, अगर हमारी हटे तो सरकार क्या जल्दी थी, कोरोना आपदा पूरा देश मारा पड़ा था, अध्यादेश लाए, क्या इमरजेंसी थी, अध्यादेश के बाद राज्यसभा में उन्होंने बहुमत की तो बात हो गई। अब आगे क्या, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, लगातार कहा गया कि एमएसपी अगर इस बिल में भी मेंशन कर दिया जाए बाहर के लिए तब फिर रास्ता निकल जाएगा, अब तो सरकार कह रही है हम रेडी है भाई, गारंटी तो देंगे, गारंटी लिख कर देंगे कह रहे हैं। हाँ गारंटी दे दें एमएसपी की, सबसे बेस्ट तो यही है, और दूसरी बात रही वो जो बिल है उनमें संशोधन करें, बिल्कुल जो संशोधन के लिए तैयार हैं, संशोधन या वापसी, वापस करें उनको, बस सीधी बात, वापस क्यों, ये क्या, देखिए आप मुझे बताइएगा, किसान खेत खलिहान में अच्छा लगता है, सड़क पर वो अच्छा नहीं लगता, परेशान लगता है, अन्नदाता खेत खलिहान में ही उसकी जगह होती है, मजबूरी है,
जो किसान यहाँ सड़क पे पड़ा है। क्या आप तो आपकी बात मानने को तैयार हो गई बाबूजी सरकार? बात काम ये काले कानून वापस कर ले तो काम खत्म हो जाए। जो ये कानून है किसानों के हित में नहीं है। ये जो कहते करनी कथनी में अंतर दो गुनी आए। हम कानपुर मंडल अध्यक्ष, एक बात हमका बतावा, हुआ तो मंडी नहीं आए और मंडी कौन है? मंडी में 6% किसान पहुंच रहा है। सरकार कह रही है उन्हीं किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और खासतौर से छोटे किसान के लिए। जो इन्होंने किया है वो हमको अगर दिखाई देता, आज जो इन्होंने दो गुनी आमदनी का इन्होंने कहा था वो अगर सामने दिखाई दे हम तो दो गुना पीछे हो गए। आज धान की कीमत 1868 रुपए है, आज 900 रुपए 1000 रुपए में किसान बेच रहा है, तो मजबूरी सामने है किसानों की। MSP है, मंडी है, उसके बावजूद ये मजबूरी है कि किसान कम में बेच रहा है हितेन, और ये गारंटी चाहता है किसान कि जिस तरीके से MRP से ज्यादा पर बेचने पर जुर्म के तौर पर उसे रजिस्टर किया जाता है, MSP से कम की खरीद पर भी यही प्रावधान हो, तब इनके अच्छे दिन आ सकते हैं। हितेन, वहां मौजूद किसानों को लगता है कि अब हाँ नहीं पे नहीं अड़ना चाहिए बल्कि अब थोड़ा आगे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल अक्षय, देखिए सिंधु बॉर्डर पे भी यही तस्वीर है, हालांकि सिंधु बॉर्डर से थोड़ा आगे सोनीपत हम पहुंचे। देखिए मैं तस्वीर दिखाने चाहूंगा, जहां तक देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएगी, लेकिन मेरे साथ कुछ किसान हैं जो गुरदासपुर जिले के माजे से है, जो एकदम सरहद से सटा हुआ है गांव है, सरहद से सटा हुआ गांव शहर है, आप लोग एकदम सरहद के करीब हो, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं, वहां से यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपकी मांगों को तो सरकार मानने को तैयार नहीं है, सरकार कह रही है कि हम बिल तो नहीं ले सकते, कानून तो नहीं ले सकते, लेकिन हम आपकी जो बातें हैं प्रस्ताव है उसको हम संशोधन कर सकते हैं और एक प्रपोजल भेजा है जिस पर आपकी जत्थेबंदी अभी मीटिंग भी कर रही है, तो क्या वो मंजूर है आप लोगों को? वो तो जथेबंदियां वेखणगियां हुण बैठे ने मीटिंग देते, वो की फैसला करनगियां जथेबंदियां, जो भी फैसला करनगियां वो सानू तो मंजूर है साडे जथेबंदियां दा फैसला, पर इन्हां दे जे को माड़ा मोटा ये सोध करना चाहुंदे ने वो साडियां जथेबंदियां मानदियां नहीं, तो असीं भी नहीं मानदे। असीं यह कहिंदे आ कि जिहड़ा ये बिल है ये सारा ही वापस किया जाए, तो बाकी रही गल असीं हैं गुरदासपुर तो हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के नाल ही, साडा 6-7 किलोमीटर पाकिस्तान की तार आ, ते जी उतों अं तो दिल्ली आ गए, सानू तो कि बंबे भी जाना पैंता, साडे ट्रैक्टर उन्होंने भी कूच कर देने, कोई सानू वो नहीं है, इतने तो वेख्या कई किलोमीटर तक जाम आ। ये संघर्ष के नाल नाल एक इदा की कौम आ जी, इतने मेला ही एक हिसाब का चलन दिया, लंगर की टोट सिखा तो की आनी, इतने दिल्ली नहीं लंगर की टोट आन देते, संघर्ष जे ना मनूगा तो लंबा चली जाना संघर्ष, इन्हों मननी पैनी है। देखिए अगर ये अक्षय इनकी बात को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां अगर दिल्ली पहुंच गई होती तो दिल्ली में जगह नहीं होती, उतना लंबा जाम है, अगर वो सरहद से यहाँ दिल्ली तक पहुंच सकते हैं तो वो आगे भी जा सकते हैं। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा, जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।